हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सवलैंड के एपिसोड 29 की पार्ट 2 पर। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आप मेरे चैनल पर पिछले पार्ट 1 को देख सकते हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक महिला की आवाज आती है, ये बीबी दुंग की आवाज होती है। इन दोनों के पास अभी भी सर्वाइव करने की पावर है। मैंने भी नहीं सोचा था ये लोग इतना भी ज्यादा पावरफुल है। ये दोनों इतनी पेन में है, फिर भी ये दोनों हमें रोक रहे हैं, हमारे साथ पार्ट कर रहे हैं। ये मेरे सोच भी काफी ज्यादा पावरफुल है। ये सब देखकर मुझे ऐसा लग रहा है इन दोनों मास्टर की सोल बुन काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। मैं इनकी सोल रिंग को ऑब्जर्व करने वाली हूँ, उसके साथ ही मेरी कॉन्फिडेंस भी और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद एक ग्रैंड सोल मास्टर को बीबी दुंग आवाज देती है, एम्परर हम शुरू करें। बीबी दुंग कहती है इनकी सोल पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, आप लोग जल्दी से किल करो ताकि मैं इनकी सोल रिंग को ऑब्जर्व कर सकूं। इसके बाद हमें देखते हैं फ्लावर ग्रैंड सोल मास्टर को, जो कि अपनी 9th सोल टेक्निक को यूज करता है। सारे सोल मास्टर अपनी 9th सोल टेक्निक को यूज करने लगते हैं। गोस्ट मास्टर उनके साथी ने मिलकर अर्मी के ऊपर अटैक कर देती है। इनके ऊपर अटैक करते हुए देखकर दामिंग गुस्सा हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक लड़की ग्रैंड सोल मास्टर को, जो कि कहते हैं एक ग्रैंड सोल मास्टर होने के बावजूद भी इस पार्ट में काफी ज्यादा मिस्ट्रेस रहूंगी। ये कहते ही वो अपनी 8th सोल टेक्निक को यूज कर दामिंग के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से दामिंग ज्यादा पेन में चला जाता है। तभी दामिंग एक और अटैक करता है, जिसकी वजह से सारे सोल मास्टर काफी ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं। ये लड़की ग्रैंड सोल मास्टर को भी काफी ज्यादा चोट लग जाती है। ये लड़की ने तो हद ही पार कर दिया था, इतना नाटक करने की जरूरत तो क्या थी। इसकी सजा तो इसको मिली गया। सीन शिफ्ट होता है, हमें टैंक्सर को दिखाया जाता है, जो कि कहता है क्या ये अर्थक्विक है या फिर किसी ब्लास्ट का ग्लो है। यहाँ पर मौजूद सभी की स्पिरिट पावर काफी ज्यादा वाइब्रेटिव है और मुझे ऐसा लगता है दामिंग और अर्मिंग डेथ के स्टेज पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही टैंक्सन अपनी ब्लू सोलर ब्लेड को एक्टिवेट करता है। टैंक्सन कहता है ये काफी ज्यादा गलत है, इन दोनों स्पिरिट पावर डाउन होती जा रही है। इसके बाद हमें बीबी दुंग को दिखाया जाता है, जो कि कहते हैं मैंने इन दोनों जानवर को काफी ज्यादा अंडरएस्टिमेट किया था, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था ये दोनों जानवर इतना पावरफुल तो हो सकते हैं। इन दोनों की वजह से वन एम्पर की एक मेंबर मर चुके हैं, जिसके साथ ही गोस्ट मास्टर बीबी दुंग से कहता है एम्परर क्या हम इनके ऊपर फिर से अटैक करें। बीबी दुंग कहती है नहीं, अभी के लिए इनके ऊपर अटैक करने की जरूरत नहीं, इन दोनों जानवर पहले ही मेरी पॉइजन की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है और अभी के लिए जितना भी हमारे साथ फाइट बैक करेंगे मेरी पॉइजन इनको कमजोर करता जाएगा। आखिरकार ये दोनों ही अपनी जान को खुद ले लेंगे, अभी के लिए इनकी पीछा करो, इनके अटैक से बचकर रहना, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मुझे इनके सोल रिंग काफी ज्यादा जरूरत है, उनकी सोल बोन को भी। सारे सोल मास्टर इनके सामने बाव करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें टैंक्सन को दिखाया जाता है, जो कि कहता है जो और अब दामिंग और अर्मिंग को फॉलो करता जा रहा है, अभी तो कोई स्किल इनको फॉलो करता ही जा रहा है, अगर इन्होंने दोबारा से कोई भी अटैक किया तो इन दोनों जानवर मर भी सकते हैं। आखिर मैं दामिंग और अर्मिंग को बचा भी सकता हूँ या नहीं, अभी के लिए मेरी पावर बढ़ चुकी है, मेरी 85 लेवल की पावर किसी भी रेगुलर ग्रैंड सोल मास्टर को मुकाबला कर सकती है। लेकिन अगर बात की जाए तो बीबी दुंग की उसकी एबिलिटी के सामने इस बात का पक्का नहीं हूँ मैं, बीबी दुंग का सामना कर भी सकता हूँ या नहीं। टैंक्सन कहता है मैं अभी के लिए बीबी दुंग से जीत तो सकता हूँ, मेरे पास सी गॉड की ट्राइडेंट है, मेरे लिए अच्छी वेपन है, इस वेपन की मदद से मैं बीबी दुंग से जीत तो सकता हूँ। सच कहूँ तो सी गॉड ट्राइडेंट को मुझे अच्छे से यूज करना ही नहीं आती, हालांकि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के स्वॉर्ड मेरे ट्राइडेंट से मुकाबला अच्छे से इजीली कर पाया था, वो वेपन ट्राइडेंट से कम नहीं है। मेरे सी गॉड ट्राइडेंट इतना पावरफुल होने के बावजूद भी उस स्वॉर्ड ने तो ट्राइडेंट का मुकाबला इजीली कर पाया था, ये गलत बात है, मेरे ग्रैंडफादर काफी देर पहले चले गए, अभी के लिए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। टैंक्सन अभी के लिए ये सब बातें सोच रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दामिंग और अर्मी को दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से कमजोर हो चुकी होती है फिर से इनके सामने। इसके बाद हमें टैंक्सन की आवाज आती है, अभी के लिए इनके और काफी ज्यादा वीक होती जा रहे हैं, मुझे इनके पास जल्दी पहुंचना होगा, ये कहकर टैंक्सन वहां से जाने लगता है। हमें दोबारा से दामिंग और अर्मी को दिखाया जाता है, इनके सामने फिर से हुआन एम्पायर के सोल मास्टर आ जाती है। बीबी दुंग इन दोनों जानवर से कहती है मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था मेरी पॉइजन तुम लोगों को इतना लेट किल करेगा, अभी के लिए तुम दोनों जानवर मेरी सोल ड्रिंक मेरी सोल बन जाओ। तो दोस्तों यहाँ पर होता है हमारे सोल लैंड की एपिसोड 29 की पार्ट 2। आपको वीडियो कैसी थी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।